हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने करंट अफेयर्स का एक क्लास शुरू किया है, एक सेशन शुरू किया है, और इसमें मैं आप सभी से जितनी भी महीने में डे बाय डे करके जितनी भी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं मैं आप लोगों को करवाता हूँ। और आज की क्लास के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो नवम्बर के करंट अफेयर्स की मैं बातें करूँगा, किस हिसाब से चीज़ें आगे चल रही हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, अब मैं शुरू करने जाता हूँ। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 1 नवंबर 2021 को फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता था? तो ये पर्ल अग्रवाल हुआ करती हैं। 1 नवंबर 2021 को COP 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड ब्रिटेन में शुरू हुआ। 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपने स्थापना दिवस मनाया है? 1 नवंबर हरियाणा, पीछे से मैंने आप लोगों को बताया था कि हरियाणा का जो डेट होता है स्थापना दिवस वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और किस ईयर में हरियाणा एक इंडिपेंडेंट स्टेट निकल करके आया था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 नवंबर 2021 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सबसे ऊपर रहा? तो केरल। 1 नवंबर 2021 को एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला? तो ये VP वलसाला को मिला। 1 नवंबर 2021 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? माइक्रोसॉफ्ट बन गई। 1 नवंबर 2021 को FICCI ने अपना नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो ये अरुण चावला है। 1 नवंबर 2021 को किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये इल दल झील है। 2 नवंबर 2021 को किस राज्य की गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो वो छत्तीसगढ़ में है। इसी के साथ ही साथ 2 नवंबर 2021 को जारी 73rd सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया था। 2 नवंबर 2021 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना? तो ये वैक्स बना। 2020 में ये आत्मनिर्भरता बना था। 2 नवंबर 2021 को किस राज्य ने बेरोजगारी भट्टा की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? राजस्थान। 2 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाते हैं। 3 नवंबर 2021 को किस देश व्यापारी आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इथोपिया है। 3 नवंबर 2021 को भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़। 3 नवंबर 2021 को विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। 3 नवंबर 2021 को बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ था? तो ये इजराइल के ओवाडा एयरबेस पर हुआ था। 3 नवंबर 2021 को पांचवा रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता था? तो ये पी इनियान हुआ करती है। 3 नवंबर 2021 को याहू ने किस देश में सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? चीन। 3 नवंबर 2021 को कोविड के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया है। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो अफगानिस्तान पे लगाने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही साथ 4 नवंबर 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्र ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को देखरेख की थी? तो ये उज्बेकिस्तान है। 4 नवंबर 2021 को भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया? तो वो यूके का है। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने लेखक डेमन गलगुड ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका हुआ करते हैं। और
अगर मैं पुस्तक के बारे में बातें करूं तो वो पुस्तक द प्रेमिसेस हुआ करता है। चार नवंबर 2021 को कहां जनजातियों की संस्कृति की रक्षा करने के लिए 29 संग्रहालय उद्घाटन हुआ है, तो ये मणिपुर में हुआ था। 4 नवंबर 2021 को जारी आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन सबसे ऊपर रहा था, तो ये बाबर आजम रहे थे। 4 नवंबर 2021 को किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है, तो वो अमित शाह ने किया था। 4 नवंबर 2021 को किस मिशन को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को शामिल किया गया था। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है, तो अमेरिका है। 5 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 4 नवंबर 2021 को किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल्द मरुमध चर्चा में रहा था, तो ये न्यूजीलैंड का हुआ करता था। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो ये फ्रांस हुआ करता था। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू लॉन्च किया है, तो चीन। 4 नवंबर 2021 को किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जनसेवक और जनसंप्रदाय शुरू किया है, तो ये कर्नाटका है। 4 नवंबर 2021 को किस देश के कुमाऊं चूरा तेल जीआई टैग मिला था, तो ये उत्तराखंड है। 4 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, नरेंद्र मोदी। 4 नवंबर 2021 को अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वो कन्नड़ है। 4 नवंबर 2021 को पुरुष की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक है। 4 नवंबर 2021 को किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की विधेयक पेश की है, अमेरिका। 4 नवंबर 2021 को किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिक्टेशन सिस्टम का परीक्षण किया है, इजराइल। 6 नवंबर 2021 के सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर से जो चोरी हुई थी माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया गया है, तो ये कैनेडा। 6 नवंबर 2021 को नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है, अजय शर्मा। 6 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना विकास शुरू की है, तो ये दिल्ली। 6 नवंबर 2021 को मनु भाकर और जावद फोरोफी ने प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित टीम स्पर्धा कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक है। 6 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, उन्मुख चंद। 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। 7 नवंबर 2021 को सीएम वेंकट कृष्णन को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ये बारकेल्ज है। 7 नवंबर 2021 को देश की खिलाड़ी सारत टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी, तो वो इंग्लैंड की। 7 नवंबर 2021 को 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा स्थान पर पहुंचा है, चौथा। 7 नवंबर 2021 को जारी क्यू एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी। 7 नवंबर 2021 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेजम बनाया है, तो वो रेल मंत्रालय के साथ मिलकर के बनाया है। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ये विश्व शहरीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 नवंबर 2021 को किस राज्य की चंबा चंबल को जीआई टैग मिला है, हिमाचल प्रदेश को। 8 नवंबर 2021 को किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है, एसबीआई। 8 नवंबर 2021 को
नोवेक जोविच ने कहाँ 37 मास्टर्स खिताब जीता था? तो ये फ्रांस इसका आंसर है। 8 नवंबर 2021 के सूचना घोषणा अनुसार किसे 2020 का टेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय सहकारिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रियंका मोहित है। 8 नवंबर 2021 को किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो ये त्रिपुरा है। 8 नवंबर 2021 को भारत के 71st ग्रैंड मास्टर बने थे? तो ये संकल्प गुप्ता बने थे। 8 नवंबर 2021 को मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? तो ये मैक्स वर्स्टैपन, दूसरा लुइस हैमिल्टन ने जीता था। 8 नवंबर 2021 को 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने थे? तो ये रशीद खान बने थे, और रशीद खान कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। 8 नवंबर 2021 को प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाज टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये सोनीपत में हुआ था। 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी थी? तो ये वांग योमपिंग बनी थी। 9 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 9 नवंबर 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? उत्तराखंड। 9 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई। 9 नवंबर 2021 को भारत के 72nd ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये मित्रभा बने थे, जो कि जिनका संपर्क कोलकाता से हुआ करता था। 9 नवंबर 2021 को पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने थे? तो ये राजा हाँ तो ये राजीव कुमार मिश्र बने थे। 9 नवंबर 2021 को WTT कैलेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता था? तो ये मोनिका बत्रा एवं अर्चना कामत ने जीता था। 9 नवंबर 2021 के सूचना अनुसार पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये भुवनेश्वर में की जाएगी। 9 नवंबर 2021 को किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की? दिल्ली। 10 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 10 दिसंबर 2021 के पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। 10 दिसंबर 2021 को पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने थे? तो ये रोहित शर्मा बने थे। 10 नवंबर 2021 को कौन सा शहर रचनात्मक शहरों से यूनिसेफ यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये श्रीनगर हुआ है। 10 नवंबर 2021 को जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन सबसे ऊपर रहा है? तो ये नॉर्वे रहा है, भारत का स्थान इसमें 18वां आता है। 10 दिसंबर 2021 को टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना था? पंजाब बना था। 11 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो ये ओडिशा आता है। 11 नवंबर 2021 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? 10वें नंबर पर रहा था। 11 नवंबर 2021 को देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी थी? तो ये फल्गुनी नायर बनी थी। 11 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। 11 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन में शामिल हुआ था? तो ये अमेरिका है। 11 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला मिली है? तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत मिली है। 12 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर 2021 को भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। 12 नवंबर 2021 को उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो ये अर्जुन मुंडा हुआ करते थे।
12 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ का है। 12 नवंबर 2021 को सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हैं। 13 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व दयालुता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 13 नवंबर 2021 को UNWFP को सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डेनियल ब्रुहल हुआ करते हैं। 13 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय है। 13 नवंबर 2021 को चर्चित हसे आर्ट का संबंधित किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक आता है। 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना का प्रमुख भारतीय सेना का जनरल का पद प्रदान किया है? नेपाल। 13 नवंबर 2021 को किसे हूल बोर्ड में स्वतंत्र निर्देश के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आशुष हुआ करते हैं। 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 14 नवंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो पंजाब का आता है। 14 नवंबर 2021 को लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई? तो ये टेम्स नदी है। 14 नवंबर 2021 को T20 में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? अक्षय करनवाकर बने थे। 14 नवंबर 2021 को 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बना था? तो ये यूपी बना था। 14 नवंबर 2021 को हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनिवारण किया है? तो ये हिसार हरियाणा में किया है। 14 नवंबर 2021 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये इंस्टाग्राम है। 14 नवंबर 2021 को किस देश के राजदूत युगेन होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो ये वित्त नाम आते हैं। इसी के साथ ही साथ 15 नवंबर 2021 को जॉल जीबी के व्यापार मेले और उद्घाटन कहां पर किए गए हैं? तो ये उत्तराखंड में किए गए हैं। 15 नवंबर 2021 को किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया, और उसने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जीता था। 15 नवंबर 2021 को किस देश ने अपना पहला, इसका आंसर बता दिया। 15 नवंबर 2021 को किस देश में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। 15 नवंबर 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये झारखंड आता है। 15 नवंबर 2021 को 44th वांगला उत्सव कहाँ शुरू किया? मेघालय। 15 नवंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य एक्स शक्ति शुरू हुआ? फ्रांस। 15 नवंबर 2021 को ब्राजीलियाई ग्रैंड प्री किसने जीता था? तो ये लुइस हैमिल्टन आते हैं। 16 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया? अरुणाचल प्रदेश। 16 नवंबर 2021 को भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो ये यूपी के सुल्तानपुर जिले में लखनऊ से गाजीपुर के बीच। 16 नवंबर 2021 को 2 देशों के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स 21 का आयोजन किया है? तो ये भारत और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। 16 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। और उसी के साथ राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस। 16 नवंबर 2021 को 44th वांगला दिवस कहाँ मनाया गया? मेघालय। ये फिर से रिपीट कर रहा है। 16 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में कैसर ए हिंद को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश आता है।
16 नवंबर 2021 को भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये तंजावुर में खुला है। 16 नवंबर 2021 को किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? पाकिस्तान। 16 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट को ऑडी नेटवर्क युक्त किया है? तो ये सोम्बी शाप आता है। 16 नवंबर 2021 को किस देश के सबसे अमीर देशों की सूची में अपना हासिल स्थान किया है? तो ये चाइना है। 16 नवंबर 2021 को किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो ये श्रीलंका आते हैं। 16 नवंबर 2021 को किसे दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? भारत पे। 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व COPD दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं। 17 दिवस 2021 को किस राज्य का पोचमपल्ली गांव में सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? तो ये तेलंगाना आता है। 17 नवंबर 2021 को वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचना में सबसे ऊपर कौन सा रहा था? तो ये डेनमार्क रहा था। 19 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे में कहां पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई आता है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में ट्रिफाइड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो ये अर्जुन मुंडा ने किया था। 17 नवंबर 2021 को कौन सा बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया था? तो HDFC है। 17 नवंबर 2021 को किस भाषा की फिल्म कुंजागल को EFFIC 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो तमिल। 17 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन यानी कि घर पर राशन योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये प्राकृतिक चिकित्सक दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। 18 नवंबर 2021 को सूचना अनुसार किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की सप्लाई शुरू की है? ये रूस, रशिया। 18 नवंबर 2021 को कर्नाटक सरकार ने किसे एक्टर को मरणोपारित कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पुनीत राजकुमार आते हैं। 18 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय ने टेक नीव @75 का उद्घाटन किया है? तो ये विज्ञान और औद्योगिक मंत्रालय आता है। 18 नवंबर 2021 को पीयूष गोयल ने कहां भारत का पहला डिजिटल खाद संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु है। 18 नवंबर 2021 को कहां कल्पति रथ महोत्सव मनाया गया था? तो ये केरल में मनाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, घूम के आइएगा, काफ़ी अच्छी जगह है। 19 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व शौचालय दिवस हम लोग मनाते हैं। 19 दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार ICC Under-19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14th संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज करेगा। 19 नवंबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी AB de Villiers ने क्रिकेट से सभी रूप से संन्यास ले लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। 19 नवंबर 2021 को पश्चिम नौसेना कमान कहां अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो ये मुंबई है। 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा में किया गया। 19 नवंबर 2021 को किस राज्य का डॉग शत प्रतिशत जैविक खेती करने वाला बना है? तो ये गुजरात, ये डोंग है। 19 नवंबर 2021 को वियना टेनिस ओपन 2021 किसने जीता? तो ये अलेक्जेंडर ज़ेवरेव हुआ करते हैं। 19 नवंबर 2021 को अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रयागराज में किया गया। 19 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये विश्व बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 20 नवंबर 2021 को वर्ल्ड चाइल्ड डे के रूप में, ठीक है, 20 नवंबर 2021 को आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषक का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना? तो ये भारत बना था। 20 नवंबर 2021 को किस देश ने एंट्री सैटेलाइट मिसाइल DAA
SAT का सफल परीक्षण किया है तो ये रशिया है। 20 नवंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है तो तमिलनाडु का आता है। 20 नवंबर 2021 को फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक किसके साथ साझेदारी करेगा तो ये HPCL के साथ करेगा। 20 नवंबर 2021 को कहां भारत की पहली 3D नेत्रशालय चिकित्सक सुविधा का उद्घाटन हुआ है, चेन्नई। 20 नवंबर 2021 को आयोजित एशियाई तिरंदाज चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 7। 20 नवंबर 2021 को किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है तो ये बेरिल थंगा को मिला। 20 नवंबर 2021 को जारी IPF स्मार्ट पोलिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा था, आंध्र प्रदेश। 20 नवंबर 2021 को BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है तो ये प्रकाश पादुकोण हुआ करते हैं। 20 नवंबर 2021 को किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, इंदौर। 21 नवंबर 2021 को किस देश के संविधान के दुर्लभ मूल प्रति 43 मिलियन डॉलर की नीलामी हुई है, अमेरिका। 21 नवंबर 2021 को किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतलकालीन ओलंपिक 2022 के क्वालिफाई किया है तो ये जम्मू कश्मीर। 21 नवंबर 2021 को FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है, गुरुग्राम। 21 नवंबर 2021 को 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन मेजबानी किसने की है तो अमेरिका। 21 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए एकत्रित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, संस्कृति मंत्रालय आता है। 21 नवंबर 2021 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहां आयोजित की जानी तो ये ढाका में। 22 नवंबर 2021 को 2 वर्ष के अंतरकाल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाना शुरू हुआ, राजस्थान। 22 नवंबर 2021 को किस संस्थान को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा तो ये प्रथम है जो कि एक NGO है। 22 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरा तरह से साफ करने का संकल्प लिया है, 2025। 22 नवंबर 2021 को कटर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है तो लुइस हैमिल्टन है। 22 नवंबर 2021 को गृह मंत्रालय अमित शाह ने कहा गैदिनोलू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रह की नींव रखी है, मणिपुर। 22 नवंबर 2021 को किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है तो ये जेसन मोट हुआ करते हैं। 22 नवंबर 2021 को इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है तो ये कांटो मोमेटा हुआ करते हैं। 22 नवंबर 2021 को किस राज्य के बालासोर जिले की सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है, उड़ीसा। 22 नवंबर 2021 को गृह मंत्री द्वारा पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा देने का मांग रखा है, दिल्ली सदर बाजार। 23 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है, आंध्र प्रदेश। 23 नवंबर 2021 को किस राज्य के पतलापनी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, मध्य प्रदेश। 23 नवंबर 2021 को किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है तो वेनेजुएला है। 23 नवंबर 2021 को किसने भारत गौरव ट्रेनों शुरू करने की घोषणा की है तो ये अश्वनी वैष्णव आते हैं जो कि रेल मंत्रालय से हैं। 23 नवंबर 2021 को किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की तो ये अल सल्वाडोर है। 23 नवंबर 2021 को किसे टाटा लिटरेचर लाइव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है तो ये अनीता देसाई आती हैं। 23 नवंबर 2021 को किसे राज्य में बोईता बंदना महोत्सव उत्साह मनाया है तो ये ओडिशा आते हैं। 23 नवंबर 2021 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता था तो ये तमिलनाडु ने जीता था। 24 नवंबर 2021 को लाचेस दिवस कहाँ मनाया गया था, असम।
24 नवंबर 2021 को दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना? तो ये जेपी मॉर्गन चेस बना था। 24 नवंबर 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता था? तो डेविड टेनेंट हुआ करते हैं। 24 नवंबर 2021 को किसे जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्वी और हौसला योजना की शुरुआत की है? तो निर्मला सीतारमण आते हैं। चौबीस नवंबर 2021 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। 24 नवंबर 2021 को किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड ड्रेमर्स चार्ज लॉन्च किया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक है। 24 नवंबर 2021 को हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 24 नवंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? ओडिशा। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। 24 नवंबर 2021 को एलएनटी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस सरकार के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अनुन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर 2021 को किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो नासा। 25 नवंबर 2021 को भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजन किया है? श्रीलंका। 25 नवंबर 2021 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? लाहौर। 25 नवंबर 2021 को नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांकन में कौन सबसे ऊपर रहा? शिमला। 25 नवंबर 2021 को कॉर्लिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? NFT, जो कि वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का लॉकडाउन बना था, NFT। 25 नवंबर 2021 को मैकडेलिना एंडरसन ने किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? स्वीडन। 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया एवं संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? आंध्र प्रदेश। 26 नवंबर 2021 को UPI लेन देन ने किस बैंक ने अमेजोन पे के साथ सहकारी साझेदारी की है? यस बैंक। यस बैंक 2021 26 नवंबर को 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है? तो ये वेंकैया नायडू आते हैं। 26 नवंबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने किस देश से दो मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? फ्रांस से किए हैं। 26 नवंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआमी रूप से गरीब है? बिहार। 26 नवंबर 2021 को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये DC सिंघानिया आते हैं। 27 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 27 नवंबर 2021 को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? शिलोंग में। 27 नवंबर 2021 को दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर। 28 नवंबर 2021 को किसने अपनी स्थापना की 73rd वर्षगांठ मनाई थी? NCC। 28 नवंबर 2021 को किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया था? उत्तराखंड। 28 नवंबर 2021 को किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G फोन कॉल लॉन्च किया है? ओप्पो। 28 नवंबर 2021 को रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफल के बड़े पैमाने पर मंजूरी दी है? रूसिया। 28 नवंबर 2021 को किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट के अनिश्चितकाल ब्रेक लगाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। 28 नवंबर 2021 को RBI ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिनिधित्व लगा दिया है? महाराष्ट्र। 28 नवंबर 2021 को किसे इटली के नाइट ऑफ पार्ट गुल्फ
की मन्नत की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये सोहन राय आते हैं। 27 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश के आते हैं। 29 नवंबर 2021 को भारतीय रेलवे कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बनाएगा? तो ये मणिपुर में बनाएगा। 28 नवंबर 2021 को किस भौतिकविद द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि 13 मिलियन डॉलर में बिकी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। 29 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? एमपी। 29 नवंबर 2021 को भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाईएसएस वाइजर का कार्यक्रम शुरू किया है? जर्मनी। 29 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने में प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो ये एमपी सरकार आती है। 29 नवंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड-19 वेरिएंट B.1.1.529 को किस रूप में वर्गीकरण किया है? ये ओमनिक्रोन। 29 नवंबर 2021 को मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर बनाया? वैक्सीन। 29 नवंबर 2021 को किसने अपना नया संचार उपग्रह ज्योंगजेन 1D लॉन्च किया है? चाइना। 29 नवंबर 2021 को किस देश की फिल्म रिंग वाइडिंग ने IFF में गोल्फ पिकॉक अवार्ड जीता है? तो ये जापान की आती है। 29 नवंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश। 29 नवंबर 2021 को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ड ऑफ द ईयर को घोषित किया है? वैक्सीन। 30 नवंबर 2021 को स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रिस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो ये धवन फर्स्ट आते हैं। 30 नवंबर 2021 को भारतीय पर्वतारोह फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये हर्षवंती विंस बिस्ट बनी थी। 30 नवंबर 2021 को किस राज्य की आदिवासी महिला मतिलदा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? ओडिशा। 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतंत्र दिवस मना रहा है या फिर देश मना रहा है? तो बारबाडोस मना रहा है। 30 नवंबर 2021 को किस देश की फिल्म निर्देशक नायोमी कावर्स्के यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है? तो ये जापान की बनी है। 30 नवंबर 2021 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अरहर बल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? जम्मू कश्मीर में। 30 नवंबर 2021 को किसने सातवीं बार पुरुष का बैलन डी और जीता है? तो ये लियोनेल मेस्सी आते हैं। 30 नवंबर 2021 को मलेशियाई ओपन रैकविश चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो ये सौरव घोषाम ने जीता है। तो ये थी दोस्तों नवंबर महीने की करंट अफेयर्स, और लाइन बाय लाइन यानी डे बाय डे करके मैं एक एक दिन को उठा रहा हूँ, जितने पॉसिबल करंट अफेयर बनते हैं, जो भी मेन इवेंट्स हुए थे वो सारी चीज़ें डिस्कस करवा करके आपकी तैयारी को एकदम परफेक्ट बना रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं दिसंबर वाली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और एक ही चीज़ याद रखिएगा, जब सूरज होता तब डरने की नहीं है कोई बात। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कोई सा भी डाउट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, बिना डरे तुरंत कमेंट करिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल ही देता हूँ, ज्वाइन करिए। कुछ भी चाहिए होगा वहाँ पर, चाहे आप कहें तो PDF हो किसी भी लेक्चर का, चाहे आप कहें नोट्स हो, चाहे आपको कोई भी टॉपिक पर डाउट आ रहा हो, तुरंत वहाँ ज्वाइन करिए और एक बार वहाँ लिख करके देखिए। मैं सब काम छोड़ करके आपके डाउट के पीछे लग जाता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को यहीं की यहीं सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा
विश्वास रखता हूँ, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोगों को मेरे बारे में पता ही है सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू और जय हिंद।